वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। सो मेरे सामने आज आप देख रहे हैं द ओनली ग्रैंड आई 10 नियोस। इस गाड़ी में आपको टोटल चार वेरिएंट्स ऑफर किए जाते हैं, इरा, मैग्ना, स्पोर्ट्स एंड एस्टा। सिर्फ पेट्रोल इंजन के साथ मिलेगी अब आपको ये गाड़ी। पहले डीजल इंजन भी ऑफर किया जाता था जो हाल ही में डिसकंटिन्यू कर दिया गया, बट CNG ऑप्शन जरूर मिल जाएगा आपको इसमें, सिर्फ मैग्ना एंड स्पोर्ट्स वेरिएंट में। अभी जो आप मेरे सामने देख रहे हैं इसका सबसे ज्यादा बिकने वाला स्पोर्ट्स वेरिएंट, एक्सशोरूम प्राइस बढ़ जाएगी 6,77,400 रुपीज। वहीं ऑन रोड प्राइस जम्मू में इसका आपको पड़ जाएगा अराउंड 7.8 लाख। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। उससे पहले चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो। फ्रंट की बात कर लेते हैं, यहाँ आपको टॉप पे मिलेगा Hyundai का लोगो एंड यहाँ नीचे आपको मिलती है कैस्केड डिज़ाइन ग्रिल ग्लॉस ब्लैक फिनिश में लाइसेंस प्लेट की जगह। साइड पर आ जाते हैं गाड़ी के तो यहाँ आपको देखने को मिल जाएंगे रिफ्लेक्टर बेस हैलोजन हेडलैम्प, साथ में इंडिकेटर दिए गए हैं। फॉग लैम्प की बात करें प्रोजेक्टर फॉग लैम्प मिलेंगे इसमें आपको, हैलोजन में रहेंगे ये भी। अब चलते हैं गाड़ी के साइड पे तो यहाँ आपको देखने को मिल जाएंगे 14 इंच के ग्रे फिनिश में अलॉय व्हील्स। इनके साइज़ की बात करें तो इनका साइज़ रहने वाला है 165/70R14 C8 के टायर्स हैं साथ में। ऊपर चलते हैं यहाँ आपको मिलते हैं इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल RVM टर्न इंडिकेटर के साथ। बाकी ऐसा कुछ रहेगा साइड लुक गाड़ी का। 3805 mm लेंथ एंड 1520 mm हाइट है गाड़ी की। व्हील बेस की बात करें तो 2450 mm का इसमें आपको व्हील बेस मिलता है। फ्रंट में आपको मिलेगी डिस्क ब्रेक्स एंड रियर में ड्रम ब्रेक्स दी गई हैं। चलते हैं गाड़ी के रियर में। उससे पहले यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको ग्रैंड आई 10 की बैजिंग दिख जाएगी एंड ऐसा कुछ रहने वाला गाड़ी का रियर लुक। टॉप पे चलते हैं तो यहाँ आपको देखने को मिल जाएंगी साइड पे रूफ रेल्स एंड शार्क फिन एंटीना दिया गया है। यहाँ पे हाई माउंट स्टॉप लैंप आ जाएगी, यहाँ पे डिफॉगर, कोई भी वाइपर नहीं मिलेगा आपको इसमें। नीचे आते हैं Hyundai का लोगो, रियर कैमरा है, नियोस की बैजिंग मिलेगी आपको एंड IMEI मिलेगा आपको ब्लू एलिमेंट। इसके नीचे यहाँ लाइसेंस प्लेट की जगह आ जाएगी एंड आपको रफ ब्लैक फिनिश में स्किड प्लेट दी गई है। राइट साइड एग्जॉस्ट पाइप है एंड यहाँ पे दो रियर पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं। वहीं यहाँ नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे रिफ्लेक्टर्स। इसके ऊपर आपको नॉर्मल टेल लैंप देखने को मिल जाती हैं, साथ में ग्रैंड आई 10 की बैजिंग एंड यहाँ राइट साइड आपको मिल जाती है स्पोर्ट्स वेरियंट की बैजिंग। बाकी कर लेते हैं गाड़ी का टेल गेट ओपन। सो यहाँ आपको देखने को मिल जाती है 260 लीटर्स की बूट स्पेस, ऊपर पार्सल ट्रे दी गई है। रियर सीट्स की बात करें बेंच फोल्डिंग मिलेंगी रियर सीट्स एंड यहाँ नीचे स्पेयर व्हील मिल जाएगा आपको, स्टील व्हील रहेगा ये। साइज़ की बात करें तो इसका साइज़ रहेगा 165/70R14, बीच में टूल किट आ जाएगी। बाकी सेफ्टी की बात करें तो इसमें आपको मिल जाता है ABS CVT, ड्यूल एयरबैग्स, पावर डोर लॉक्स, क्रैश सेंसर, रियर कैमरा, स्पीड अलर्ट एंड स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक जैसे सेफ्टी फीचर्स। चलते हैं हम गाड़ी के रियर सीट्स पे। तो सबसे पहले ऐसा कुछ मिलेगा आपको गाड़ी का रियर डोर ड्यूल टोन कॉम्बिनेशन में। यहाँ आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे ये हनीकॉम डिज़ाइन देखने को मिल जाएगा। सिल्वर डोर हैंडल्स हैं, पावर विंडो के कंट्रोल्स, यहाँ जगह बॉटल होल्डर एंड स्पीकर। सीट्स की बात करें तो यहाँ पे आपको फैब्रिक सीट अपॉल्सी मिलेगी, फिक्स हेडरेस्ट रहने वाले हैं एंड कोई भी सेंटर आर्मरेस्ट नहीं मिलेगा। चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर में। 5'11" मेरी हाइट है, आप उस हिसाब से देख सकते हैं ठीक ठाक स्पेस मिल रही है मुझे यहाँ पे। बाकी यहाँ सेंटर में आपको मिल जाएंगे रियर AC वेंट्स। इसके नीचे एक 12 वॉट का पावर सॉकेट दिया गया है, ऊपर आ जाएंगे ग्रैब हैंडल। बाकी ऐसा कुछ रहेगा डैशबोर्ड का लुक। चलते हैं हम देखते हैं गाड़ी को ड्राइवर सीट से। सो ऐसा कुछ रहेगा गाड़ी का ड्राइवर डोर। यहाँ आपको देखने को मिल जाएंगे ऑल पावर विंडो कंट्रोल, साथ में ORVM के कंट्रोल, सिल्वर डोर हैंडल्स हैं, ग्रेज एंड ग्रे का कॉम्बिनेशन दिया गया है। नीचे बॉटल होल्डर आ जाएगा, साथ में स्पीकर है। ड्राइवर सीट की बात करें यहाँ पे आपको हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन भी मिल जाता है एंड यहाँ नीचे मिल जाएगा फ्यूल लिड ओपन करने का लीवर। बाकी यहाँ से आप बोनेट ओपन कर सकते हैं। ऊपर देखते हैं तो यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा हेडलैम्प लेवलर एंड AC वेंट्स के सराउंडिंग में आपको मिलेगी ब्लैक पियानो फिनिश, साथ में ये सिल्वर फिनिश का यूज़ किया गया है। चलते हैं आप गाड़ी के इंटीरियर में। सो गाइस अभी हम आ गए हैं गाड़ी के इंटीरियर में। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको मिलता है ड्यूल टोन ब्लैक एंड ग्रेज फिनिश में इंटीरियर। सबसे पहले इग्निशन ऑन कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं ऐसा कुछ मिलता है आपको यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। लेफ्ट साइड आपको शो करेगा RPM एंड राइट साइड पे डिजिटल में आपको दिखेगा स्पीड। उसके अलावा यहाँ पे आपको MID दी गई है जो इसमें आपको शो करेगा ड्यूल ट्रिप मीटर, लो फ्यूल वार्निंग, इंजन टेम्परेचर, आउटसाइड टेम्परेचर, एवरेज फ्यूल कंजम्पशन, इंसन फ्यूल कंजम्पशन, डिस्टेंस टू MT एंड और भी कई सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से आप इसे चेक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं टाइम भी शो कर रहा है। उसके अलावा स्टीयरिंग व्हील पे आ जाते हैं तो ऐसा कुछ मिलता है आपको यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील। इस साइड आ जाते हैं वॉल्यूम एंड
वॉइस कमांड के कंट्रोल्स एंड या नीचे ये सैटिन सिल्वर फिनिश देखने को मिल जाएगी आपको। यहाँ राइट साइड दिए गए हैं हेडलाइट के कंट्रोल्स एंड यहाँ लेफ्ट साइड पे वाइपर के कंट्रोल्स मिल जाएंगे आपको। बाकी स्टीयरिंग व्हील के एडजस्टमेंट चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पे आपको सिर्फ टिल्ट का फीचर मिलेगा इसमें, टेलीस्कोपिक नहीं रहेगा ये। बाकी सेंटर में आ जाएं तो यहाँ आपको देखने को मिल जाता है 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जो सपोर्ट करता है एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, यूएसबी, ब्लूटूथ, ऑक्स। देख सकते हैं आप DRVM का फीचर भी मिल जाता है इसमें आपको। इसके साथ आपको टोटल 4 स्पीकर्स मिलते हैं, साइड पे आपको यहाँ पे शॉर्टकट कीज दी गई हैं, नॉब्स मिल जाएंगे आपको। नीचे आते हैं तो यहाँ पे हजार स्विच दिया गया है, AC वेंट्स आ जाएंगे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे मिलती है आपको RTC की यूनिट, यहाँ से आप फैन स्पीड एडजस्ट कर सकते हैं एंड यहाँ से टेम्परेचर। यहाँ भी नीचे आपको डिफॉगर वगैरह के बटन देखने को मिल जाएंगे। नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको मिलता है एक USB पोर्ट एंड साथ में एक 12 वॉट का पावर सॉकेट एंड यहाँ पे आप फ़ोन रख सकते हैं अपना। अगेन यहाँ पे ये पूरा पार्ट आपको मिलेगा सैटिन सिल्वर फिनिश में, काफ़ी सही लग रहा है ये। इसका 5-speed मैनुअल गेयरबॉक्स, इसके अलावा इसमें आपको ऑटोमेटिक ऑप्शन भी ऑफर किया जाता है। बाकी ये डिज़ाइन देख सकते हैं आप डैशबोर्ड का, ब्लैक एंड ग्रे फिनिश में काफ़ी सही लग रहा है, कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे आपको ये हनीकॉम डिज़ाइन देखने को मिल जाएगा। यहाँ नीचे भी स्पेस दी गई है। बाकी यहाँ आते हैं तो यहाँ आपको मिल जाते हैं 2 कप होल्डर, यहाँ हैंड ब्रेक आ जाएगी, यहाँ भी स्पेस मिल जाएगी आपको थोड़ी सी। बाकी कोई भी आर्मरेस्ट नहीं मिलता आपको इसमें एंड यहाँ आपको मिल जाता है ग्लव बॉक्स, अच्छी खासी स्पेस मिल जाती है आपको इसमें भी। सेंटर में आ जाएंगे तो यहाँ आपको मिलता है मैनुअल IRVM, यह ड्राइवर सनवाइजर, यहाँ आपको सिर्फ टिकट होल्डर दिया गया, कोई भी वेंटी मिरर नहीं मिलेगा इसमें आपको। यहाँ पे आ जाएगा माइक, इसके अलावा कोड ड्राइवर साइड आपको वेंटी मिरर भी मिल जाता है, यह ग्रैब हैंडल। यहाँ सेंटर में आ जाएगी कैबिन लाइट, हैलोजन में दी गई है। सो गाइस यही था ओवरऑल इंटीरियर गाड़ी का। चलिए चलते हैं करते हैं गाड़ी के इंजन के बारे में बात। सो गाइस ये गाड़ी का इंजन लेआउट, इसमें आपको मिलता है 4 सिलेंडर 1.2 लीटर कापा पेट्रोल इंजन जो पावर प्रोड्यूस करता है 82 BHP की विद 114 Nm मैक्सिमम टॉर्क। इसके अलावा इस गाड़ी में आपको 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन का भी ऑप्शन ऑफर किया गया है, पहले आपको डीजल इंजन भी मिलता था जो अब डिसकंटिन्यू कर दिया गया। बाकी CNG किट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा सिर्फ मैग्ना एंड स्पोर्ट्स वेरिएंट में। इसके अलावा 37 लीटर्स का फ्यूल टैंक है एंड 20.7 KMPL की आपको इस इंजन में माइलेज क्लेम की गई है। सो गाइस ये थी ओवरऑल इन्फॉर्मेशन Hyundai Grand I10 Nios स्पोर्ट्स वेरिएंट की। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, अगर पसंद आई तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाया करो। बाकी मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।